बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने इन दिनों अपनी फिल्म के साथ साथ एक खास शो को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। वो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल शो स्टार वर्सेस फूड में अपनी कुकिंग स्किल्स दिखा रहे हैं। वहीं इसी शो के दौरान अर्जुन कपूर ने अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें भी शेयर की। उन्होंने अपने माता पिता बोनी कपूर और मोना कपूर के तलाक से लेकर अपने बढ़े वजन और फिटनेस पर खुलकर बात की। अर्जुन कपूर ने बताया कि किस तरह से वो माता पिता के अलग होने के दौरान खाने में सुकून ढूंढने लगे थे। बोनी और मोना कपूर का तलाक 1996 में हुआ था। जी हाँ, तो अर्जुन कपूर ने इस पर बात करते हुए कहा कि जब मेरे माता पिता अलग हुए थे तो मैं खाने में सुकून ढूंढने लगा था। मैं इससे एक तरीके से इमोशनल तौर से जुड़ गया था, इसलिए मैंने खाना शुरू कर दिया था और तब मैं खाने को बहुत इन्जॉय करने लगा। उन्होंने बताया कि एक पॉइंट के बाद जब आपको कोई रोकने वाला नहीं होता है तो इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। आपकी माँ आपसे प्यार करती हैं लेकिन उन्हें लगता है कि बच्चा है और ये खाने की उम्र है। अर्जुन ने बताया कि एक ऐसा वक्त आ गया था जब मुझे अस्थमा हो गया था। मुझे इसकी वजह से कई इंजरी भी हुई। मैं 16 की उम्र में 150 किलो का हो गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें चावल और मिठाई बेहद पसंद है लेकिन 2 सालों से उन्होंने ये छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि मैंने दिवाली पर बिरयानी खाई थी और 1 टब आइसक्रीम खाई थी और कहा था बस। बता दें कि 2012 में फिल्म इश्क जादे में डेब्यू करने से पहले उन्होंने 50 किलो से भी ज़्यादा वज़न घटाया है। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ ससुर भी की रिपोर्ट।